मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को संस्कृत विषय में व्याकरण में धातु रूप का ज्ञान पुनः कराने जा रहे हैं हम लोग। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने धातु रूप में पट धातु का और वर्तमान काल के बारे में पढ़ाया था, ध्यान रहे आप लोग। तो आज आप लोगों को हम किस काल के बारे में पढ़ाएंगे? भूतकाल के बारे में पढ़ाएंगे। शाबाश, अब भूतकाल में हम वर्तमान काल में पट धातु का पढ़ाए थे, इसे आज आप लोगों को भूतकाल में लिख धातु का धातु रूप चलाएंगे और सीखेंगे। ओके, आइए। आप लोग ये भी जान रहे हैं कि तीन पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष माने बोलने वाला, मध्यम पुरुष माने जिसके पास बोल रहे हैं, और अन्य पुरुष माने जिसके बारे में बोला जाता है ना। और इसमें से पहला लेकिन तो आप लोग जान ही रहे कौन सा वचन है, एक वचन। और दूसरा लेकिन पहले कौन सा वचन है, द्विवचन। और अंतिम वाला क्या है, बहुवचन। बहुवचन तीनों काल में तीन वचन भी होंगे और तीन पुरुष होंगे। तो आज आप लोगों को हम भूतकाल के बारे में पढ़ाएंगे। भूतकाल माने बीते हुए काल। इसके सभी शब्दों में हम अ लिख देते हैं, अ शुरू शुरू में क्या लिख देते हैं, अ, ये पहचान है उसका। अ लिखने से वो भूतकाल माना जाता है और लिख माने होता है लिखना। जैसे कि बीते हुए काल के बारे में हम लोग बोल रहे हैं तो सबसे पहले ये उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष माने बोलने वाला, और यहाँ पर सूत्र है हमारे हरा रंग में जितना लिख दिया हो ना बेटर, इसमें जितने हरे कलर में दिख रहा है ये आप लोगों का सूत्र है। सूत्र रहेगा तो लिख की जगह पठ, लिख, गच्छ, कोई भी धातु के बारे में आप लोग धातु रूप चला सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। सूत्र एक है और धातुएं अनेक। आइए उत्तम पुरुष में, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ मैंने लिखा, क्या बोला, मैंने लिखा। तो एक वचन है, मैं मैं के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, मैं के लिए अहम कहते हैं, अहम अलिखम, अहम मैंने लिखा। मान लीजिए हम लोग दो जने रहेंगे तो द्विवचन में बोल दो, तो द्विवचन में अहम को आवाम बोलते हैं, आवाम अलिखाव, अलिखाव। हम लोग कई ना कई जन रहेंगे, दो से ज्यादा रहेंगे तो हम सब कहना पड़ेगा, तो हम सब के लिए बहुवचन में आएंगे तो बहुवचन में वयम होता है, वयम अलिखाव, ठीक है। मैंने लिखा, हम दोनों लिखे, हम सब लिखे, उसी को मध्यम पुरुष में मतलब आप लोगों के बारे में बोलूंगा। तो फिर अकेला की बात करेंगे, तुमने लिखा, दो प्रकार के हो गए, तुम लिखा, और दो जने रहोगे तो तुम के दो जनों में क्या होगा, इवाम, इवाम अलिखतम, और तुम सब लोग रहोगे तो इवम, इवम अन्य पुरुष के बारे में बोलेंगे वह लिखा, तो सह, सह अलिखा, दो जने रहेंगे तो सह के लिए तव होता है, तव अलिखताम, और बहुत से लोग रहेंगे तो ते, ते अलिखाम। अब यहाँ पर देख लीजिए, लिख शब्द है, यहाँ पट शब्द है, यहाँ पर पट शब्द है, इसका सूत्र क्या है, शुरू में जो शब्द आप लोगों को दिया जाएगा उसमें क्या जोड़ दोगे, अम, लिख है ना, लिख, तो उसमें अम जोड़ दिए तो क्या हो गया, लिखम। अब आ तो रहेगा ही शब्द में, यहाँ पर आव है तो उसी लिख में आव जोड़ दो, आव लिखाओ, और आम जोड़ोगे तो अलिखाम। इसी तरह मध्यम पुरुष में अह माने अह की मात्रा, लिख में अह की मात्रा दे दो, अलिख, और सेकंड में क्या हो जाएगा, अतम अलिख तम, अलिख अत ही होगा इस, यहाँ पर कोई भी शब्द का आप लोग चला दे यहाँ पर सूत्र में क्या होगा, अत अलिखत अपठत अगछत, ठीक है। और अन्य पुरुष में वह लिखा, सह, सह अलिखत, दो जने रहेंगे तो त
सौ और एक काम। अब बहुत सारे रहेंगे तो ते आ